बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में करोड़ों की मशीन लगाकर बार बार वाहवाही लूटी जा रही है, लेकिन मशीनों की हकीकत धरातल पर शून्य नजर आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में लगी सीटी स्कैन मशीन जो है वो पिछले 20 दिन से खराब है, और जब अस्पताल के अधिकारियों से ये जानने की कोशिश की गई तब अधिकारी कहीं दबी जुबान से ये कहने लगे कि उस मशीन का जो है कुछ पार्ट है वो खराब है और कोई पेमेंट का भी इश्यू बता रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ बात है वो छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देर रात को जो सड़क हादसा हुआ सहलाऊ के पास में, एक स्कूली बस जो है वो टैंकर में जा घुसी, उसमें कुछ 25 से अधिक बच्चियां जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई और जिनके प्राथमिक उपचार जो है चौटन CHC में करवाया गया और उसके बाद बाड़मेर जिला अस्पताल रेफर किया गया। और यहां पर बच्चियों का उपचार कर रहे डॉक्टरों ने जब उनकी सीटी लिखी तब वो उनको लेकर सीटी स्कैन मशीन की तरफ जो लोग थे वो भागे, और तब वहां जाकर पता चला कि यहां की सीटी स्कैन जो है वो बिल्कुल तरह से बंद है। और यहां पर बताया गया जब अधिकारियों से जब जानने की कोशिश की गई सीटी स्कैन मशीन जो है वो कब से बंद है, तब दबी जुबान से अधिकारियों ने ये कहा कि ये पिछले 20 दिन से बंद है, और बताया गया कि कोई पार्ट है वो खराब है जिसके लिए हमने आगे अप्लाई कर दिया है, और बताया गया कि कोई पेमेंट का इश्यू था वो पेमेंट भी कर दिया गया है। तो हालांकि कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो बड़ी बात छुपाते हुए यहां नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन इस प्रकार के हादसों के बाद जो ग्रामीण है वो अपनी अपनी निजी गाड़ियों में जो है बच्चियों को सवार करवाकर अलग जगह ले जाकर उन्होंने सीटी स्कैन करवाई और उसके बाद वापस जो है अस्पताल लाया गया। इस गंभीर हालत में इस प्रकार से लोगों को जो है अलग अलग जगह सीटी स्कैन करवाने के लिए, कई बार एक्सरे करवाने के लिए भागना पड़ता है। तो देखिए किस प्रकार से यहां पर करोड़ों रुपए की जो मशीनरी लगाई जाती है और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि अब जो है हमें जोधपुर की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, अब हमें जो है बड़े बड़े जिलों की तरफ या बड़े बड़े राज्यों की तरफ जो है इलाज के लिए नहीं भागना पड़ेगा, लेकिन यहां पर जो है उन साफ तौर से उन दावों की जो है पोल खुलती हुई नजर आ रही है। करोड़ों रुपए की लागत से लगाई गई जो मशीन है वो यहां पर साफ तौर से शून्य नजर आ रही है। हालांकि यहां पर जो अधिकारी जो है उनका क्या कहना है ये भी मैं आपको सुनाऊंगा, पर उससे पहले देखिए कल जो हादसा हुआ है उसके बाद जो है ग्रामीण जो है वो अपने अपनी निजी गाड़ियों में किस प्रकार से अलग जगह लाकर उन बच्चियों का जो है सीटी स्कैन करवा रहे हैं, और अब हम यहाँ जो अधिकारी है उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मशीन है कितने दिन से खराब है और मशीन में क्या टेक्निकल फॉल्ट है या मशीन जो है वो क्यों बंद है। ये तमाम बातें जो है यहाँ अधिकारी जो है वो उनसे बैठकर हम जानेंगे, लेकिन साफ तौर से कल रात को ये देखने को मिला है कि हादसे के बाद जो है वो मशीनरी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ ठप है। अब जो यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये मशीनरी आखिर बंद कब से है और क्यों बंद है। एक्सरे कोई खराब नहीं है, एक्सरे हमारे क्लीनर चल रहे हैं और सीटी स्कैन हमारी खराब टाइम से खराब है, तो हमने बाहर से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और हम निःशुल्क सीटी स्कैन करा रहे हैं बाहर से। क्या गंभीर हालत में बच्चे यहाँ पे हैं, कितनों को रेफर किया गया? तीन बच्चों को अभी रेफर किया हमने और तीनों गंभीर थी, दोनों को तो इंट्यूबेट करके रेफर किया है और एक को विदाउट इंट्यूबेट किया है। सीटी स्कैन तो काफ़ी टाइम करीब 20 दिन हो गए। क्या टेक्निकल इशू है, क्या इशू है? नहीं, उसका इश्यू कोई बड़ा मशीन कोई बड़ी जो पार्ट है वो उसका ख़राब हो गया है, और कुछ पेमेंट का इश्यू था तो वो सॉल्व हो गया, उसका पेमेंट भी कर दिया गया और उसने आश्वास किया है कि एक दो दिन में वो ठीक कर देगा।